नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एस चंद का यूट्यूब चैनल टेस्ट प्रिपरेशन में। आज आपके सामने टॉपिक नंबर 43 की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं और टॉपिक 43 रहेगा हमारा पाई चार्ट। तो पाई चार्ट आपका देखिए सर्किल वाला ग्राफ होता है और एग्जाम के अंदर ज्यादातर ये वाला ग्राफ पूछा जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सरल अंकगणित के प्रत्येक पाई चार्ट को आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ग्राफ के अंदर आपको कैलकुलेशन अपनी बढ़ानी है, जितनी आपकी अच्छी कैलकुलेशन होगी उतना अच्छा आप ग्राफ कर सकते हैं। और आपको बेसिक नॉलेज परसेंटेज और अनुपात की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें परसेंटेज के काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं और अनुपात के भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आज वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले परसेंटेज का कुछ बेसिक मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इनकी जो शुरुआत है वो आपको अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, देखिए आप सभी, जैसे हमारे सामने आता है 2-4 का कितने परसेंट है, 2-4 का कितने परसेंट है, 2-4 का कितने प्रतिशत है। तो हमें यह ध्यान रखना है जिस वर्ड के साथ ये का लगा होता है, का लगा हो या से लगा हो, वो संख्या हमेशा नीचे आती है। 2-4 का कितने प्रतिशत है, तो हमेशा का वाला नंबर नीचे आता है, ऊपर आता है 2% के लिए 100 से गुना करेंगे। तो ये जो आंसर बनेगा आपका 2 से 2 बार 50%। तो ये जो वर्ड होते हैं इनका आपको ध्यान रखना है, का या से जिस संख्या के साथ लगे होते हैं वो संख्या आपकी हमेशा नीचे आती है। सेकेंड, अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं 4-2 का कितने परसेंट है, 4-2 का कितने प्रतिशत है, तो देखिए इस वर्ड के साथ का लगा हुआ होता है, ये वर्ड आपका नीचे आएगा, ऊपर आएगा 4% के लिए 100 से गुना, 2 से 2 बार तो 200%। अगर आप दोनों एग्जांपल को देखेंगे ध्यान से तो देखिए दोनों में केवल एक ही बात का अंतर आ रहा है कि का, जिस संख्या के साथ आपका का लगा होता है वो संख्या हमेशा आपकी डिनोमिनेटर के रूप में आती है, यानी कि नीचे हर के रूप में आती है। दो चार से कितने परसेंट कम है, 2-4 से कितने प्रतिशत कम है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2-4 से कितने परसेंट कम है। अब की बार देखिए एक वर्ड का यूज हो गया कम है, 2-4 से कितने परसेंट कम है, तो अगर आप देखेंगे 2-4 से 2 कम है, 2 जो नंबर है वो 4 से कितना कम है, 2, और इस बार देखिए से आ रहा है, तो से वाला नंबर आपका नीचे आएगा परसेंटेज के लिए 100 से गुना, तो ये जो आंसर आपका निकल के आएगा ये बनेगा आपका 50%। तो आपको एक एक वर्ड पे एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्योंकि बेसिक परसेंटेज की नॉलेज काफी जरूरी है अगर आपको पाई चार्ट करना है और कुछ अनुपात समानुपात का। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 4-2 से कितने परसेंट अधिक है, 4-2 से कितने परसेंट अधिक है, 4-2 से कितने परसेंट ज्यादा है, 4-2 से कितना अधिक है, 2 ज्यादा है, वाला नंबर आपका नीचे आएगा परसेंटेज के लिए 100 से गुना, तो राइट आंसर हमारा निकल के आएगा 100%। हमारा जो राइट आंसर बनेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा आपका 100%। तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आपके सरल अंकगणित के जो पाई चार्ट है उनकी शुरुआत करने जा रहा हूं। आप वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करें और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी पाई चार्ट को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिए गए पाई चार्ट में एक मकान बनाने के लिए व्यय का ब्यौरा दिया गया है और निर्माण में कुल 6 लाख रुपए खर्च हुए, तो ग्राफ का अध्ययन करके नीचे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ग्राफ जब आपको मिलेगा तो इसके ऊपर एक इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, तो ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास है इस इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये आपको ये इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़नी है, इस निर्माण में कुल 6 लाख रुपए का खर्च हुआ है। अगर क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा जाए तो रुपए की जरूरत नहीं होती है, ये ध्यान रखना। अनुपात में पूछा जाए तो एक ही ग्राफ में आप रुपए भी छोड़ सकते हैं, अनुपात या परसेंटेज के लिए आप रुपए छोड़ के कर सकते हैं या रुपए को लेके कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, परंतु हमें रुपए छोड़ के करना है, क्योंकि पाई चार्ट में छोटे छोटे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको सीखना है।
तो एक आदमी 6 लाख रुपए का मकान तैयार कराता है और 6 लाख रुपए को जो दर्शा रहा है वो पाई चार्ट द्वारा दर्शा रहा है। ये आदमी इस्पात पे 54 डिग्री, निरीक्षण पर 54, लकड़ी पे 36, मजदूरी पे 90, सीमेंट पे 72, ईंट पे 54, अलग अलग डिग्री आपको दी जा रही है। तो हमारा जो ग्राफ है वो दो टाइप का पाई चार्ट बन सकता है, पहला जो ग्राफ है वो डिग्री वाला, दूसरा जो ग्राफ है वो परसेंटेज वाला। और हमें छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने हैं, अगर आप कभी भी डिग्री हटाएंगे तो डिग्री जब आप हटाएंगे तो डिग्री लगा होता है 360 पे, तो 10 डिग्री का अर्थ हो गया 10/360। परंतु अगर 10% को अगर आपको देखना है तो परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 10% का अर्थ होता है 10/100। तो दोनों में अंतर है क्योंकि डिग्री आपका 360 पे लगता है और आपका परसेंटेज हमेशा 100 पे लगता है। अब आदमी अपना मकान तैयार कराता है, अपना मकान बनाता है और मकान में निरीक्षण पर 54, लकड़ी पे 36, मजदूरी पे 90 डिग्री, सीमेंट 72, ईंट 54 और इस्पात पे 54 डिग्री खर्च करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं वन बाय वन करके अपने क्वेश्चनों पे। सीमेंट की मद पर व्यय राशि कितनी अधिक है, सीमेंट की मद पर किए गए व्यय का राशि कितनी अधिक है। अब की बार जो क्वेश्चन है हमारा, जो पहला क्वेश्चन है वो रुपए में पूछ रहा है, तो रुपए जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आदमी मकान तैयार कराता है तो अपना 6 लाख रुपए का ब्यौरा है और 6 लाख रुपए वो खर्च कर देता है, तो रुपए में पूछेगा तो 6 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। परंतु यदि परसेंटेज में पूछेगा तो रुपए को आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीमेंट पर, तो पहली बात सीमेंट पर देखिए 54 डिग्री खर्च हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में टोटल जो डिग्री होती है वो आपका होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री आपका बनेगा 6 लाख रुपए के बराबर, जो दिया हो उसके बराबर आपको डिग्री रखनी है। तो टोटल जो खर्च है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 6 लाख, जबकि डिग्री में हमें पता है कि टोटल जो खर्च होता है वो 360 डिग्री होता है। तो पहला पॉइंट है आपको 1 डिग्री का पता करना है, 1 डिग्री आपका बनेगा 6 लाख/360, तो 1 डिग्री का मान आ गया आपका। अगर 1 डिग्री पता करना है तो 360 से डिवाइड कराएंगे। और क्वेश्चन में देखिए सीमेंट पे पूछा जा रहा है, तो सीमेंट पे जो टोटल डिग्री हो रहा है तो सीमेंट पे आपका टोटल डिग्री 72 डिग्री है, तो आपको 72 डिग्री से गुना करनी है। तो भाई डिग्री ऊपर नीचे, डिग्री से डिग्री हट जाएगा। 72 से डिवाइड कराएंगे 5 बार। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 1,20,000। तो भाई 1,20,000 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बनेगा। तो इस क्वेश्चन में आप किसी का भी खर्च आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे कि हम एक और खर्च पता कर लेते हैं, अगर हमसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में मजदूरी पे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, मजदूरी का खर्च बताएं, तो मजदूरी पे देखिए 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री बनता है 6 लाख रुपए के बराबर, तो 1 डिग्री हमारा बनेगा 6,00,000/360 के बराबर, 360 और टोटल हमसे पूछा जा रहा है मजदूरी, तो जो भी पूछा जाए उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 से गुना करेंगे, तो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 टाइम्स आएगा, 90 से डिवाइड कराएंगे तो 4 बार और 4 से डिवाइड कराएंगे तो 1.5 लाख। तो भाई किसी का भी आप खर्च आसानी से पता कर सकते हैं, जो दिया होगा उसी के बराबर आपको डिग्री रखनी है। सेकंड क्वेश्चन, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आई व्यय राशि से कितने रुपए अधिक है, यह बोला जा रहा है 5%, 10%, 12% और 15%। ये टोटल खर्च पे लगा हुआ है, ये जो परसेंटेज है आप लिख लेना, ये टोटल खर्च पे लगा हुआ है कुल व्यय का, तो कुल व्यय का लगा हुआ है ये सारे ऑप्शनों में कुल व्यय का कितने परसेंट है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, मजदूरी पर राशि इस्पात पर आई राशि से कितना अधिक है, तो देखिए हमारे जो ऑप्शन है, हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो परसेंटेज में दिए हुए हैं, और ये परसेंटेज ध्यान रखना टोटल व्यय का दिए हुए हैं। सरल अंकगणित की बुक में आप देखेंगे वहां पर लिखा हुआ है कुल व्यय का कितने परसेंट है, तो आइए शुरुआत करते हैं। भाई मजदूरी, अगर आप मजदूरी पर देखेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, और इस्पात का यदि आप देखेंगे तो 54 डिग्री बनेगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया, 90 डिग्री 54 डिग्री से कितना अधिक है, 90 डिग्री 54 डिग्री से कितना अधिक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बनता है प्रॉपर, 90 डिग्री 54 डिग्री से कितने परसेंट अधिक है, से कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो भाई हमने देखा 90 डिग्री 54 डिग्री से 36 डिग्री अधिक है,
अगर ये 36 डिग्री अधिक है और ये सारे ऑप्शन जो लगे हुए हैं टोटल व्यय के साथ कंपेयर करा रहा है, टोटल खर्च, तो हमें ध्यान रखना ये का वाला जो नंबर होता है कुल व्यय का कितने परसेंट है ऑप्शन। अब सरल अंकगणित की बुक को आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कुल व्यय का कितने परसेंट है, तो हमें ये देखना है कि 90 डिग्री 54 डिग्री से कितना अधिक है 36 डिग्री। अब सारे के सारे परसेंटेज कुल व्यय के साथ लगे हुए हैं, तो कुल व्यय देखिए 360 डिग्री है, तो 54 36 डिग्री अधिक है 360 डिग्री का, परसेंटेज के लिए आपको गुना करनी है 100 से, इसको डिवाइड कराएंगे तो 10 बार जाएगा, आंसर आएगा 10%, जो कि सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, सीमेंट इस्पात और निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितने परसेंट है, तो देखिए हमारा जो आंसर है वो परसेंटेज में पूछा जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि परसेंटेज के लिए रुपए की जरूरत नहीं होती है, तो सीमेंट, सीमेंट पर जो आपका खर्च हो रहा है वो 72 डिग्री खर्च हो रहा है, प्लस इस्पात, इस्पात पर जो खर्च हो रहा है वो भी 54 डिग्री हो रहा है, निरीक्षण, निरीक्षण पर जो आपका खर्च हो रहा है वो भी 54 डिग्री हो रहा है। अगर आप इन तीनों डिग्री को जोड़ लेते हैं तो ये बनेगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री खर्च हो रहा है। बोला जा रहा है कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि, अगर कुल धनराशि को डिग्री में चेक करना है तो टोटल जो धनराशि है वो 360 डिग्री आपकी बनती है, तो 180 डिग्री 360 डिग्री का कितने परसेंट है, ये सवाल आपका बनता है, कितने प्रतिशत है। देखिए का वाला जो नंबर है वो नीचे आता है, बाकी नंबर ऊपर आएगा, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे इससे दो बार, तो इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा वो 50% बनेगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन में आपने जो सीखा है वो ये सीखा है कि जब भी आंसर परसेंटेज में पूछा जाए रुपए को छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितना अधिक है। अब की बार देखिए जो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं वो रुपए में दिए हुए हैं, तो अब 6 लाख रुपए खर्च करे थे व्यक्ति ने, अब ये सारे क्वेश्चन आपके 6 लाख रुपए में लगे हुए हैं, तो 6 लाख रुपए लेना पड़ेगा मजदूरी पे व्यय की गई धनराशि। तो मजदूरी पे देखिए जो खर्च हुआ है वो 90 डिग्री खर्च हुआ है, 90 डिग्री। सेकेंड हमसे बोला जा रहा है कि निरीक्षण पर कितनी राशि खर्च हुई है, निरीक्षण पर 54 डिग्री खर्च हुआ है, तो 90 डिग्री 54 डिग्री से कितना अधिक है। अब 90 डिग्री 54 डिग्री से कितना अधिक है, 36 डिग्री अधिक है, 36 डिग्री अधिक। अब 36 डिग्री के रुपए निकालने, तो डिग्री हटाएंगे नीचे 360 आएगा, भाई 36 डिग्री अधिक है 6 लाख रुपए का, तो 6 लाख रुपए का 36 डिग्री निकालते हैं, गुना 6 लाख, 2, 3, 4, 5, इससे जाएगा ये 10 बार, 0 से 0 कैंसिल बनेगी, हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 60,000 रुपए, ऑप्शन नंबर बनेगा आपका डी। तो 6 लाख रुपए का 36 डिग्री का दोनों में गैप बनता है, तो 6 लाख का 36 डिग्री हमारा निकल के आएगा 60,000 रुपए। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला पाई चार्ट हमारे सामने आ चुका है। तो पहला जो पाई चार्ट आपने सीखा है वो सीखा है आपने डिग्री वाला, बढ़ते हैं अपने आगे। नीचे दिया गया पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए एक महीने के खर्च को दर्शाता है, इसका भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए एक परिवार अपने पूरे महीने का जो खर्च है उसको एक पाई चार्ट में दर्शा रहा है, वो ग्राफ बना लेते हैं कि हमने किस पर कितने रुपए खर्च किए, परंतु ये वाला जो आपका ग्राफ आता है वो परसेंटेज वाला ग्राफ आपका निकला है, एक ग्राफ आपका डिग्री वाला आता है। तो देखिए इस व्यक्ति ने 45% भोजन पे, जो कि सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, 6% अन्य पर, 15% शिक्षा पर, 9% ईंधन पर, 11% कपड़े पर, 14% किराए पर। देखिए पाई चार्ट आपको पहले समझना होता है, अगर एक बार आप समझ लेते हैं तो फिर इनके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। पहला क्वेश्चन, किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने परसेंट है, किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने परसेंट है। अब आंसर देखिए परसेंटेज में पूछा जा रहा है, पहली बात ये हमारा परसेंटेज वाला ग्राफ है और परसेंटेज का आंसर परसेंटेज में पूछा जा रहा है। किराए पर जो आपका खर्च हो रहा है वो हो रहा है आपका 14 डिग्री, किराए पर हो रहा है 14 डिग्री, और ईंधन पर जो खर्च हो रहा है वो हो रहा है हमारा 9 डिग्री। तो 14 डिग्री 9 डिग्री का कितने परसेंट है, ये सवाल आपका बना है। किराए पे जो खर्च हो रहा है आपका वो 14% हो रहा है, 14% हो रहा है, कोई बात नहीं, 14% हो रहा है,
14%। देखिए किराए पर जो खर्च हो रहा है वो 14% हो रहा है, ईंधन पर जो खर्च हो रहा है वो आपका 9% हो रहा है। तो 14% 9% का कितने प्रतिशत है, 14% 9% का कितने परसेंट है? अब आंसर हमसे फिर परसेंटेज में पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज का जो आंसर है उसमें दो तीन वर्डों का आपको ध्यान रखना है, जिस संख्या के साथ का लगा होता है। तो पहली बात 9% नीचे, 14% ऊपर, गुना करेंगे 100 से, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 1400/9। 1400 को 9 से डिवाइड कराएंगे आप, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचेगा आपका 5 50, 9 पंजे 45, 5 9 पंजे 45, तो लगभग 155 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर 156 लगा सकते हैं, एप्रोक्स 155 कुछ आ रहा है। दोबारा देखें, 9 एकम 9, 5 बचेगा 0, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, इसी तरह 0.55 चलेगा। तो आप इसको एप्रोक्स आंसर लगा सकते हैं 156%। इन तीन मदों पर जो खर्च का केंद्रीय बिंदु पर कौन 108 डिग्री का बनता है, देखिए डिग्री पूछ रहा है आपसे, किन तीन का खर्च बताइए 108 डिग्री बनता है। तो सबसे पहले ये जो ग्राफ हमारे पास है ये परसेंटेज वाला ग्राफ है, तो डिग्री को आपको परसेंटेज में लाना है, 108 डिग्री हटाएंगे नीचे 360 आएगा, परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना करेंगे। सबसे पहला काम है कि डिग्री को परसेंटेज में लाएं, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो परसेंटेज पर आधारित है। 36 से डिवाइड कराएंगे 3 बार, 36 से कराएंगे 10 बार, 0 से 0 कैंसिल, 30%। तो भाई 30% आपका बनता है। अब हमको देखना है कि ऑप्शन में किन तीन तीन का योग आपका 30% बनता है। ईंधन, ईंधन को अगर आप देखेंगे तो 9%, कपड़े को आप देखेंगे 11%, और अन्य को अगर आप देखते हैं तो 6%, और इन तीनों का योग करेंगे तो ये बनेगा आपका 20 और 26%, जो कि गलत है। ईंधन, ईंधन पे आपका 9% हो रहा है, किराए पर आपका 14 हो रहा है, और अन्य पर आपका 6 हो रहा है, तो तीनों का योग करेंगे ये 29% बना है, तो 29 भी आंसर नहीं हो सकता। कपड़े पर, कपड़े पे आपका बनता है 11%, किराए पर 14% और अन्य पे 6%, तो ये आपका 31% बनता है, ये भी गलत है। शिक्षा पर देखिए, शिक्षा पे जो बना है वो 15% बना है, किराए पे आपका बना है 14% और अन्य पर बना है 6%, तो इनका योग भी ज्यादा है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वो तीनों ही सारे के सारे ऑप्शन 30% नहीं बने, या तो 30 से कम है या 30 से ज्यादा है। तो एक ऑप्शन में दिया है 91, तो हमें आंसर लगा के आना है ऑप्शन नंबर ई। यदि उस परिवार की कुल इनकम 25,000 रुपए हो तो किराए और भोजन पर कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च हुआ है? परिवार की टोटल इनकम आपको दी गई है, देखिए परिवार की जो टोटल इनकम है वो परसेंटेज में 100 होती है, 100% बराबर 25,000, तो 1% बराबर आएगा 250 रुपए। क्वेश्चन में परिवार की टोटल इनकम दी हुई है, अगर डिग्री में होता 360 डिग्री आप लेते हैं, अगर ये आपका परसेंटेज में तो टोटल 100%, तो 100% बराबर 25,000, 1% बराबर 250, किराए और भोजन पे पूछ रहा है, तो किराए पर देखिए 14 और भोजन पे हो रहा है आपका 45, तो 45 और 14 को यदि आप जोड़ते हैं, किराए और भोजन का पूछ रहा है 14% और 45%, ये बनेगा आपका 59%। तो हमसे जो वैल्यू पूछा जा रहा है वो 59% का मान पूछा जा रहा है, अगर 1% आपका 250 के बराबर है तो 59%, 250 की अगर 59 से गुना करेंगे तो 59% की वैल्यू आएगी। अब 59% की वैल्यू आपकी बनेगी, तो 59 की जगह आप 60 भी मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। अगर आप इसको 60 मानेंगे और 60 की 25 से गुना करेंगे तो 15,000, अब 15,000 से कौन सा ऑप्शन छोटा है, आप छोटा लगा सकते हैं, या 59 की गुना 25 से करेंगे, 9 पंजे 45, 5 पंजे 25 और 4 29, और 9 पंजे 45 और 25 और 4 29, 9 दुनी 18, 5 दुनी 10 और 1 11, 5 8 5 13, 5 9 8 17, 2 1 3 और 1 4 और 1, तो ये आएगा 14,750 रुपए। तो भाई 59 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा बनेगा 14,750 रुपए।
शिक्षा और भोजन पर, शिक्षा और भोजन पर किए गए खर्च का क्या रेशो है? शिक्षा और भोजन पर किए गए खर्च का क्या रेशो है? शिक्षा पे देखिए आप ध्यान से, शिक्षा पे जो खर्च हो रहा है वो 15% हो रहा है, भोजन पे जो खर्च हो रहा है वो 45% हो रहा है। तो 15% 45% का रेशो कितना है? 15 से 1 बार और 15 से 3 बार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों में रेशो आपसे पूछा जा रहा है, दोनों आप लिखें, दोनों का रेशो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, चलो अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक संगठन का विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत औसत मासिक इनकम दिए गए पाई चार्ट में दिखाया गया है। यदि कुल मासिक खर्च 18,50,000 रुपए है, पूछा जा रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर बताइए। अब 18,50,000 रुपए दिया गया है और ये मासिक व्यय दर्शा रहा है संगठन का विभिन्न जगह। देखिए ये जो खर्च है हमारा, चिकित्सा पे 6%, बिजली पे 12, टेलीफोन पे 15, पानी पे 11, परिवहन सब्सिडी पे 10, स्टाफ पे 20, रेंट पे कैंटीन पे 8%। अब ये जो ग्राफ हमारा है, ये वाला ग्राफ भी आपका परसेंटेज पर ही लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, स्टाफ का वेतन और स्टाफ के ऋण पर हुए खर्च में कितने रुपए का अंतर है? ऑप्शन आपके रुपए में दिए गए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, स्टाफ का वेतन, अगर आप स्टाफ का वेतन देखेंगे तो ये 20% है, स्टाफ का वेतन 20% है। आगे दिया हुआ है स्टाफ का ऋण, स्टाफ का ऋण आपका 18% है। जैसा कि ये क्वेश्चन आपका 18,50,000 रुपए पर लगा हुआ है, दोनों में अंतर पूछा जा रहा है। 18,50,000, 18,50,000 का अगर हम 2% निकालते हैं, 2/100, 20 से 20 हट जाएंगे, 5 × 2 = 10, 36 × 1 = 37 और 20। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 37,000, जबकि ऑप्शन में हमारा 37,000 नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा 91, ऑप्शन नंबर ई। 18,50,000 का ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो ग्राफ आपका लगाया हुआ है वो 18,50,000 पे है, दोनों में अंतर आ रहा है आपका 2%। तो 18,50,000 का 2% अगर आप करते हैं तो ये आपका बनेगा 37,000 रुपए। क्वेश्चन पूछ रहा है बिजली और पानी दोनों का कुल व्यय बताइए, बिजली और पानी का कुल व्यय बताइए। बिजली पे अगर आप देखेंगे तो 12% है, पानी पे देखेंगे तो आप 11% है। तो बिजली और पानी पे जो टोटल भी आ रहा है वो आपका आ रहा है 12 और 11, 23%। तो 23% आपका बनता है 18,50,000 रुपए का। 18,50,000 रुपए हमारे पास हैं, उसका अगर आप दोनों का योग करेंगे तो 23% बनेगा। तो इसका 23% आपको निकालना है, 20 से 20 185 और 23 की गुना कर सकते हैं हम, ये 15 बनेगा, 54 और 1 = 55, 5 × 2 = 10, 36 और 1 = 37, 5, 5, 2, 4 और 00। तो ये बनेगा आपका 4,25,500 रुपए, 4,25,500 रुपए, ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा बी। परिवहन सब्सिडी और कैंटीन सब्सिडी पर कुल कितना खर्च हुआ है? इस बार भी हमसे रुपए पूछे जा रहे हैं। टोटल जो ग्राफ है वो 18,50,000 रुपए पर लगा हुआ है, 18,50,000। परिवहन सब्सिडी को अगर आप देखेंगे तो ये 10% है, और कैंटीन सब्सिडी 8% है, दोनों का योग करेंगे तो ये निकल के आएगा 18%। तो इन दोनों का अगर आप 18% करते हैं, 18/100, भाई ये जो हमारा ग्राफ था वो 18,50,000 रुपए पे लगा हुआ है और दोनों की जो परसेंटेज आती है वो 18 आ रही है, निकालेंगे 185 की गुना 18 से करेंगे आप, 8×5=40, 144 और 4 = 148 और ये आएगा 185, 0, 8×5=13, 8×4=12 और 1=13, 3 और 0 आएंगे डबल,
तो ये आएगा आपका 3,33,000 रुपये। तो 3,33,000 रुपये हमारा ऑप्शन नंबर आएगा इसमें डी। तो टोटल जो भी पैसा हमारे पास है उसका परसेंटेज दोनों का पूछा जा रहा है, आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टाफ पर किया गया खर्च, चिकित्सा व्यय, स्टाफ पर किया गया चिकित्सा व्यय वेतन पर किए गए खर्च का कितने परसेंट है। देखिए चिकित्सा व्यय हमारा 6% है और वेतन पे जो खर्च हो रहा है, वेतन पर किया गया खर्च है 20%। तो 6% 20% का कितने परसेंट है, ये सवाल आपके पास है। स्टाफ के खर्च पर किया गया चिकित्सा व्यय, तो चिकित्सा व्यय हमारा बनता है 6%। वेतन बोला जा रहा है, वेतन पर किया गया खर्च, स्टाफ का जो वेतन है उस पर 20% आपका खर्च हो रहा है, तो 6% 20% का कितने परसेंट है, ये सवाल हमारा बना है। देखिए जिस संख्या के साथ का लगा होता है वो संख्या आपके नीचे आएगी, ऊपर रहेगा 6%, नीचे रहेगा 20, परसेंटेज से परसेंटेज हटेगी और गुना करेंगे 100 से, 20 से डिवाइड कराएंगे आप 5 बार, तो इस सवाल का आंसर आएगा 30%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ये छोटे छोटे वर्ड है जो परसेंटेज के होते हैं, यदि किसी संख्या के साथ का लगा होता है वो संख्या आपके नीचे आएगी, तो का वाला नंबर आप नीचे लेंगे, 20 के साथ का बनता है और गुना करेंगे आप 100 से। नेक्स्ट, टेलीफोन पर कितने रुपए खर्च हुए हैं, टेलीफोन पर कितने रुपए खर्च हुए हैं। अब टेलीफोन देखेंगे हम, टेलीफोन पे 15% खर्च हुआ है, 1,800,000 रुपए का 15% आपको निकालना है, 1,850,000 का यदि हम 15% करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो टोटल खर्च दिया हुआ है वो 1,850,000 है, उसका 15%, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 185 की गुना 15 से करेंगे, 5 × 5 = 25, 18 × 5 = 90 और 2 = 92 और ये 185, 5, 7, 17, 2 और 0 आएंगे डबल, तो 2,77,500। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जैसा कि हमारा ग्राफ 1,850,000 रुपये पर लगा हुआ है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टेलीफोन का खर्च बताओ, तो टेलीफोन पर देखिए 15% पैसा खर्च हुआ है, तो इसका 15% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब हमारे सामने देखिए डबल ग्राफ वाला क्वेश्चन आ चुका है, और डबल ग्राफ भी आपको सिंगल ग्राफ की तरह ही करना है, केवल 2 चार्ट और इसको अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है। एक कॉलेज में विभिन्न विभागों के कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत और प्रत्येक विभाग में छात्राओं के प्रतिशत आंकड़े पाई चार्ट द्वारा दर्शाए गए हैं, इनका भली भांति अध्ययन करके आंसर बताएं। बोला जा रहा है ये जो पहला वाला ग्राफ आ रहा है आपका, ये टोटल विद्यार्थी का है, टोटल विद्यार्थी का हमारा पहला ग्राफ है, जो कि स्कूल में अलग अलग बता रहा है आपको, कला 18%, प्रबंधन, विज्ञान, इंजीनियरिंग, कैटरिंग और वाणिज्य। तो विद्यार्थी में देखिए बॉयज भी आता है और गर्ल्स भी आती है। दूसरा जो ग्राफ है हमारा वो गर्ल्स का ग्राफ है 2000, परंतु इस क्वेश्चन में देखिए बॉयज का ग्राफ आपके पास नहीं है। अगर आपको बॉयज निकालने हैं तो पहले आपको टोटल पता करना है, टोटल में से अगर आपको छात्रा माइनस हो जाए तो आपको लड़कों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इसका पहला क्वेश्चन देखें, इंजीनियरिंग में छात्राओं की संख्या बताइए, हमारे पास जो छात्राएं वो टोटल 2000 हैं और छात्रा हमारे पास आ रही हैं टोटल, और वो भी इंजीनियरिंग में 12%, तो 2000 का अगर हम 12% करते हैं तो इस सवाल का जो राइट आंसर आएगा वो 240 बनेगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंजीनियरिंग में टोटल छात्रा कितनी है, तो 2000 का आपको 12% करना है जो कि बनेगा 240। नेक्स्ट, वाणिज्य में लड़कों की संख्या उस विभाग में कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने परसेंट है। अब देखिए वाणिज्य में आपको लड़के निकालने हैं और लड़के का कोई भी ग्राफ आपके पास नहीं है, तो पहले तो आपको टोटल निकालना है और टोटल में से उसके बाद आपको लड़की माइनस करनी है,
तो वाणिज्य में जो टोटल आ रहा है, टोटल जो बच्चे हैं वो 4800 हैं, और वाणिज्य हमारे पास आ रहा है 21%। अगर हम 4800 का 21% करते हैं, 48 की 21 से गुना करें, 48 और ये बनेगा आपका 96, 8, 6 और 4 10, 9 और 1 10, तो ये बनेगा आपका टोटल 1008। वापस दोबारा देखें, वाणिज्य में लड़कों की संख्या, टोटल हमारे पास जो लड़के हैं, टोटल विद्यार्थी 4800, और 4800 का आप करेंगे 21%, 4800 का 21% अगर आप करते हैं तो 20 से 20 कैंसिल, 48 की अगर आप 21 से गुना करते हैं तो आपका जो आएगा 1008 बनेगा। तो टोटल विद्यार्थी 1008 हैं। अब हमें छात्रा देखनी है 2000 हैं, और वाणिज्य में छात्राएं 24%। इस क्वेश्चन का यदि हम 24% करते हैं तो ये बनेगा आपका 480, तो भाई ये आपका बनेगा 480, 480। तो टोटल हमारे पास देखिए जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो 1008 आ रहे हैं, और 1008 में यदि लड़कियां 480 हैं तो बॉयज अगर आपको ज्ञात करने हैं 8 2 10 5 4 9, तो बॉयज हमारे पास बने 528। अब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपको देखनी है, वाणिज्य में लड़कों की संख्या बनी है 528, और उस विभाग में टोटल जो विद्यार्थी है वो 1008 हैं, टोटल विद्यार्थी 1008 आ रहे हैं, तो बोला जा रहा है 528 1008 का कितने परसेंट है। परसेंटेज में जिस संख्या के साथ का लगा होता है वो संख्या हमेशा नीचे आती है, तो 528 ऊपर 1008 नीचे बनेगा, और परसेंट के लिए 100 से गुना, तो देखिए लगभग ये आपका 10 बार जा रहा है, तो अप्रोक्स आपका लाएगा 52.8%। तो आप एक अप्रोक्सीमेशन लगा के कर सकते हैं, अप्रोक्स में अगर आपको ऑप्शन देखने तो हमारा जो भी ऑप्शन 52 के आसपास है वही आपका राइट आंसर बनेगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा आंसर 52 के आसपास है, देखिए 41 52 36 28 और 68, तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल के आया वो निकल के आया आपका 52%। नेक्स्ट, प्रबंधन में लड़कों की संख्या और वाणिज्य में लड़कों की संख्या का क्या अनुपात है। अब आपको दोनों में लड़के निकालने और उनका रेशियो आपको निकालना है। देखिए टोटल आपके पास 4800 थे, पहले तो हमें निकालना है प्रबंधन में, प्रबंधन में टोटल जो बच्चे हैं वो 10% है, तो 4800 का 10% यदि हम करते हैं तो 480 निकलता है, टोटल आ रहे हैं 480, दो छात्रा हमारे पास 2000 हैं, और प्रबंधन में आ रहा है 8%, तो ये बनेगा 160, तो टोटल बच्चे हमारे पास 480 हैं, और 480 में से छात्रा आ रही है 160, तो बॉयज की जो संख्या बनेगी वो 320, इसका मतलब प्रबंधन में जो लड़के आ रहे हैं वो 320 निकलेंगे रेशो। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है विज्ञान में लड़के, तो विज्ञान में आपको लड़के पता करने हैं, टोटल हमारे पास जो बच्चे हैं वो 4800 हैं, विज्ञान विज्ञान हमारे पास आ रहा है 37%, तो 4800 का यदि 37% करते हैं तो 48 की गुना 37 से करते हैं, 8 7 56, 7 4 28 और 5 33, और 48 3 144, 6 9 6 7 7 1 1776, तो देखिए 1776 ये आ चुके हैं टोटल, और पूछा जा रहा है आपसे विज्ञान, विज्ञान में देखिए टोटल 2000 लड़की हैं, और 2000 लड़की में विज्ञान में आपका जो आ रहा है निकल के वो आ रहा है 32%, तो 2000 का यदि 32% करते हैं तो 960 आएगा, 640 टोटल हमारे पास जो आ रहे हैं निकल के, विद्यार्थी आ रहे हैं 1776, और 1776 में लड़कियां आ रही हैं 640, तो बॉयज हमें पता करने हैं 6 माइनस करेंगे आप 3 1 और 1, तो ये आएगा 1136। बोला जा रहा है दोनों का रेशो बताइए, तो 320 और 1136 का हमें रेशो पता करना है, 4 से ये जाएगा 80 बार, 4 से 2 बार 8 3 4 8 32, 4 4 16, अब ये 4 से फिर डिवाइड हो रहा है 20 बार, और 4 से डिवाइड हो जाएगा 71 बार, तो हमारा जो रेशो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 20:71। नेक्स्ट, कैटरिंग में छात्राओं की संख्या,
देखिए कैटरिंग में छात्राओं की संख्या, छात्र हमारे पास 2000 है और कैटरिंग हमारे पास जो आ रहा है निकल के वो 10% है। तो 2000 का यदि 10% करेंगे हम तो ये आएगा 200। और कह रहा है कॉलेज के कुल विद्यार्थी, तो कॉलेज में टोटल विद्यार्थी हमारे पास 4800 है। हमारी जो कंपेयर कराई जा रही है वो टोटल विद्यार्थी के साथ कराई जा रही है, तो 200/4800 परसेंट के लिए आपको गुना करना है 100 से। 20 से 20 कैंसिल, 4 से 12 बार और 4 से डिवाइड कराएंगे 50 बार, 2 से डिवाइड कराएंगे 6 बार, 2 से डिवाइड कराएंगे 25 बार, 25 को 6 से डिवाइड कराएंगे तो आप ये बनेगा आपका 4/1/6%। तो आज आपकी पाई चार्ट में मैंने जो आपके सामने क्लास ली है उसमें आपको सिंगल ग्राफ डबल ग्राफ को आपको सिखाया है, इसमें मैंने डिग्री वाले और परसेंटेज वाले दोनों ग्राफ आपके लिए कवर कराए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है उसको लाइक जरूर करें और हमारा एस चंद का यूट्यूब चैनल टेस्ट प्रिपरेशन को आप जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में बताएं अपने में। थैंक यू।